जी नाज़रीन, जैसा कि 24 जुलाई को कराची समेत सिंध के दीगर अजला में बलदियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं, जिसमें ज़िला मलिर में भी इलेक्शन होने जा रहे हैं। यहाँ पर ज़िला मलिर की जो यूनियन काउंसिल मुराद मेमन है, इस यूनियन काउंसिल पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो मेन लोग है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला मलिर का सदर सलमान अब्दुल्ला मुराद और PSATL का सेक्रेटरी जनरल, वो इस यूनियन काउंसिल पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस सिलसिले में आज हम बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यूनियन काउंसिल मुराद मेमन पे नामजद चेयरमैन सलीम मेमन से कि उनसे बात करते हैं, वो इलेक्शन में इस दफ़ा हिस्सा ले रहे हैं, पार्टी ने उनको उनके ऊपर एतमाद करके टिकट दिया है, तो वो अपनी इस जीत को किस तरह से यकीनी बनाएंगे, क्योंकि इस हलके में इस यूनियन काउंसिल में बहुत सारी और बिरादरियाँ भी हैं मेमनों के अलावा, खासकली भी है, बलोच भी है और बड़ी तादाद में बरोई दीगर कम्यूनिटीज़ भी ताल्लुक़ रखती हैं, वो तो ये उनसे कैसे वोट लेंगे और इनका जो मंशूर है वो क्या है, अगर ये जीतना चाहते हैं तो आवाम को कैसे मुतमईन करेंगे कि वो कौन से काम जो रह गए हैं वो आकर ये इलेक्शन में जीत कर काम करेंगे, इसके अलावा वो लोगों को कैसे मुतमईन करेंगे, उस सिलसिले में खसूसी बातचीत करेंगे सलीम मेमन से।